राधे कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर उत्तराखंडी। आज मैं आपके सामने एक लहंगे का रिव्यू करूंगी जो कि मैंने जोमसो से मंगाया है। तो चलिए देखते हैं इसका रिव्यू। ये लहंगा नेट का है और एप्पल ग्रीन कलर का है और इस लहंगे की प्राइस 1990 रुपीज़ है। ये लहंगे का नीचे बॉर्डर है और बॉर्डर बेंगलोरी सिल्क है, उसमें गोल्डन कलर की एम्ब्रॉयडरी हो रखी है। आप गोल्डन या कॉपर कलर की एम्ब्रॉयडरी कह सकते हैं और बहुत ही प्यारी फिनिशिंग है, साथ ही साथ सीक्वेंस वर्क भी हो रखा है। तो ये बॉर्डर देख सकते हैं आप नीचे। उसके ऊपर ही लहंगा है जो कि नेट का है और इस लहंगे की क्वालिटी अच्छी है। इसका नेट अच्छा है, सॉफ्ट है और इसमें गोल्डन कलर की एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, साथ ही साथ सीक्वेंस वर्क हो रखा है जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है पूरे लहंगे पे। लहंगा लाइट वेट है और बहुत ही प्यारा लगा मुझे। इसका कलर बहुत ही अच्छा है, खिलावा कलर है और नीचे जो गोल्डन वर्क है उसके ऊपर ही आप देख सकते हैं ग्रीन कलर का थ्रेड वर्क भी है और साथ ही साथ गोल्डन कलर का एम्ब्रॉयडरी भी हो रखी है। तो पूरा ही लहंगा बहुत ही प्यारा लगा मुझे और बीच में बिल्कुल प्लेन है लहंगा और सबसे ऊपर जहाँ पर हम डोर डालते हैं वहाँ पर गोल्डन कलर का वर्क हो रखा है। लहंगा सेमी स्टिच्ड है, एक साइड सिला हुआ है और एक साइड आपको सिलाना पड़ेगा। लहंगे के अंदर कैन लगा हुआ है और कैन जो है अच्छी क्वालिटी का है, हार्ड है। इसी के साथ ही इसमें लाइनिंग भी लगी हुई है। जो लाइनिंग है ये सेटिन फैब्रिक की है और थोड़ी हल्की क्वालिटी की है। आपको इस लहंगे के अंदर अलग से भी कुछ लाइनिंग पहननी पड़ेगी। लहंगा जैसे पिक में दिखाया गया था मुझे वैसे ही कलर का मिला है, वीडियो में थोड़ा कलर चेंज आ रहा है। लहंगे के बैक साइड भी वैसे ही एम्ब्रॉयडरी हो रखी है जैसे कि फ्रंट में हो रखी है। आगे की वीडियो में आप देखेंगे मैंने इस लहंगे को कैन के साथ पहन रखा है। इस लहंगे की लेंथ इन्होंने 44 इंच दे रखी है तो अच्छी लेंथ है, आराम से 5 फीट 5 6 इंच तक की गर्ल्स को आ जाएगा। इस लहंगे का वेस्ट साइज इन्होंने 46 इंच दे रखा है तो 46 इंच वेस्ट वालों को ये लहंगा आराम से आएगा। इस लहंगे का फ्लेयर इन्होंने बहुत ही ज़्यादा दे रखा है, अगर इंच में देखें तो 137 इंच है और अगर मीटर में देखें तो 3.47 मीटर इस लहंगे का फ्लेयर है। तो बहुत ही अच्छा फ्लेयर है, 3.5 मीटर इसका फ्लेयर है। ये ब्लाउज का फैब्रिक है और ब्लाउज में आप देख सकते हैं ग्रीन कलर का थ्रेड वर्क हो रखा है। तो ब्लाउज आगे और पीछे एक जैसा ही है। इसका जो फैब्रिक है ये बेंगलोरी सिल्क है और फैब्रिक की क्वालिटी इसकी ठीक ठाक है। मुझे ब्लाउज ठीक ठाक लगा और इसमें देखिए थ्रेड वर्क हो रखा है तो मुझे ब्लाउज ठीक ठाक लगा। आप चाहें तो इस ब्लाउज के बदले गोल्डन कलर का ब्लाउज भी पहन सकते हैं। इस ब्लाउज का जो बस्ट साइज है इन्होंने 36 इंच दे रखा है तो 36 इंच बस्ट वालों को ये चोली आराम से आ जाएगी। इस चोली की लेंथ इन्होंने 13.5 इंच दे रखी है तो इससे शॉर्ट चोली ही बनेगी और जैसा कि चोली के फ्रंट में एम्ब्रॉयडरी और के डिज़ाइन बना हुआ है वैसे ही बैक साइड भी डिज़ाइन बन रखा है। ये इस लहंगे की स्लीव्स हैं और इसका फेब्रिक नेट है, अच्छी क्वालिटी का नेट है और इसमें भी अच्छा एम्ब्रॉयडरी वर्क हो रखा है, थ्रेड वर्क हो रखा है जो कि अच्छा लग रहा है। इससे शॉर्ट स्लीव्स बनेंगी। ये इस लहंगे का दुपट्टा है और ये भी लाइट ग्रीन कलर का है। इसमें आप देख सकते हैं साइड में लेस लगी हुई है जिसमें कि सिल्वर कलर का मिरर वर्क हो रखा है जो कि ओरिजिनल मिरर नहीं है। इसका फैब्रिक भी ठीक ठाक है, मुझे दुपट्टा ठीक ठाक लगा और इसकी जो लेंथ है वो 2.15 मीटर है, यानी 2 मीटर से ज़्यादा इसकी लेंथ है। दुपट्टे का फैब्रिक नेट है और पूरा प्लेन है तो मुझे ये लहंगा बहुत ही अच्छा लगा और इसका दुपट्टा और चोली ठीक ठाक लगी। तो आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।